أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما अल्लाह आपका शुक्र है कि उसकी तौफीक और इनायत और आका अलैहिस्सलाम के नालाने पाक के तसद्दुस हम इस बरकत महफिल में हाजिर हैं और कमाल दर्जे का एहसान है उसकी ज़ात का कि वो हमें बार बार ऐसी महफिलें अता करता है कि हम उसका और उसकी महबूब का जिक्र कर सकें। कुरान पाक की जो आयत मुबारक एक जूस मैंने तिलावत किया है सूरत अन्निसा में से, उसकी आयत नंबर 64 का एक जूस, पूरी आयत नहीं थोड़ा सा हिस्सा, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते थे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़रत तलब करते तो वो इस वसीला और शफ़ात की बिना पर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला नहायत मेहरबान पाते। तो ये एक वाक़े के ज़िम्न में जब आयत आई, वाक़ जुदा है, उसका मकसूद बयान करना नहीं है, अक्सर से वक्त में इस आयत करीमा के हवाले से आज हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उस पर अक्सर से कुछ बातें गुज़ार करना चाहता हूँ। ये उस वक्त आयत मुबारक आई जब सहाबा इकराम आपकी महफिल में आते थे, जाते थे, बैठते थे और जो मगज़ इसमें बयान किया गया है मुख्तलिफ़ बातें। पहली बात क्या कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते थे, अगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते। तो पहले अपनी जान पर जुल्म किया, दूसरा आपकी खिदमत में हाजिर होते और माफ़ी अल्लाह से मांगते और आका अलैहिस्सलाम भी उन्हें उनकी सिफारिश अल्लाह के हुज़ूर फरमा देते और आप सल्लम भी उनके लिए मग़फ़रत तलब करते अल्लाह से, चौथा, और फिर इसके बाद ज़रूर वो अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला और नहायत मेहरबान बात है। अब अगर हम ये समझें कि यह आयत उस वक़्त उस एक ख़ास शान नज़ूल पर आई, ख़ास हालात में आई और आज के लिए शायद ये नहीं है, इस तरह कुरान पाक की बेशुमार आयतें ऐसी हैं कि जो एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास हालात में, एक ख़ास शान नज़ूल में आई, तो फिर आज उनका इतलाक़ किस तरह होगा और आका अलैहिस्सलाम तक क़यामत तक के लिए पैगंबर हैं हमारे और हम उनके उम्मती हैं और कुरान पाक क़यामत तक के लिए हिदायत है। तो देखना यह है कि ये जो आयत मुबारक उस वक़्त सहाबा किराम के लिए या जिन लोगों के लिए आई, अब जब वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं या अल्लाह पाक फरमाता कि वो ऐसे करते, जानों पर जुल्म किया फिर आपके पास आते फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते, अब बात मुख्तसर यह है कि हम अपनी जानों पर जब जुल्म करें और करते हैं हर रोज़ ही अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली करते हैं तो फिर हम किधर जाएँ, घर बैठ के अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो उस वक्त भी अल्लाह पाक यहाँ भी फरमा देता कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया घर बैठ के मुझसे माफ़ी मांग लो, फरमाया नहीं, जाऊ का मेरे महबूब की बारगाह में जाते हैं वहाँ मुझसे माफ़ी मांगते और फिर आप सल्लम भी उनकी सिफारिश फरमा देते। तो आज अगर हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, पहली बात हर रोज़ ही करते हैं, अल्लाह की हुक्म अदूली करते हैं, तो फिर अपने घर बैठ के माफ़ी मांग लें, इस आयत का इतलाक़ कैसे होगा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है
आज के दौर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद जो सहाबा इकराम और ताबईन का दौर था उनके रेफरेंस से भी है कि आपके विसाल मुबारक के बाद सहाबा इकराम और ताबईन आप सल्लम के मज़ार अक़दस पे हाजिर हो जाते, कब्र अनवर पे हाजिर हो जाते। फरमाते हैं आज एक चीज़ तो यह है कि जिस जो बंदा इस्तात रखता है, कुवत रखता है, वक्त रखता है, इस्तात रखता है, वह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाए, ठीक हो गया, वहाँ जाके अल्लाह पाक से माफ़ी मांगूँ। और दूसरी चीज़, किसी वजह से कोई शख्स आपका उम्मीदी वहाँ नहीं जा सकता, उसके पास इस्तात नहीं है, उसके पास कोई ऐसी मजबूरी है, यहाँ बैठा हुआ इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, कुछ और हालात हैं, तो फिर वो क्या करें? तो वो फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो शख्स जहाँ पर बैठा हुआ है, दुनिया की जिस कोने पर भी है, वहीं से बैठकर अपने कल्ब से, अपने फिकर से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुतवज्जे हो जाए। हम जहाँ पर बैठे हैं, पाकिस्तान में, कोई अमेरिका है, तसव्वुर में, तखय्युल में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना जहन, अपना फिकर, अपनी नज़र, अपनी यकसुई, पहला क्या जानों पर जुल्म कर लिया, फिर उनकी बारगाह में अपने आप को तसव्वुर में लाए कि मैं हाजिर हूँ, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो फिर कोई बईद नहीं कि आप अल्लाह से शफात फरमा कि आप अल्लाह पाक से मगफरत ले दें और अल्लाह पाक फिर माफ़ कर दें। अब इस चीज़ का इतलाक अल्लाह पाक ने ख़ुद किया है, तवज्जो का। नमाज हम पढ़ते हैं वो फ़र्ज़ है, और पांचों वक्त के अगर हम फ़र्ज़ सुन्नत नवाफिल में से महज फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है, जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें बार बार कहा गया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस तरह पढ़ो गोया तुम मुझे देख रहे हो, तवज्जो उस तरफ रखनी है, फ़िक्र उस तरफ रखनी है, मुख्तलिफ हीले बहानों से ध्यान। जब तशहुद पे गए, बैठे, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह पाक मेरी जानी इबादतें, मेरी माली इबादतें, बदनी इबादतें तेरे लिए, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अब इसके आगे क्या शुरू हो रहा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयू व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामु अलैका अय्युहन नबीयू व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें व बरकातुहू, बरकतें। अब अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तरफ यकसू हैं, और यहाँ आके सारी की सारी यकसू आका अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई। फ़र्ज़ नमाज में उसने फ़र्ज़ कर दिया है। कभी ऐसा होता है हम किसी से सलाम करें और चेहरा इधर हो, बात उधर कर रहे हो, उसका तर्जमा ये है, अस्सलाम अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यहाँ तक ये अल्लाह से बात कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम हो अलैका, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबीयू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयू व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमतें और बरकतें। हम भी अपनी ज़बान में इसका तर्जमा करें तो हम ये कहते हैं या नबी सलाम अलैका, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पे खुद अल्लाह पाक ने सनद दे दी है नमाज के अंदर कि तवज्जो, फिकर, ज़ेहन सारे का सारा मेरे महबूब की तरफ ले जाओ। और इस आयत को अगर हम समझना चाहें आज अपने हवाले से, इस हवाले से कि हम रोज़ो शब अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, अपने नफ्स की पूजा करते हैं, अल्लाह जुर्ब बढ़ता और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अधूरी करते हैं, तो फिर क्या करें? हम जहाँ भी हैं, घर में हैं, महफिल में हैं, दुकान पे हैं, कारोबार में हैं, ज़रा थोड़ा सा कट के दुनिया से, बस ज़ेहन, फिकर, बस आप सल्लम की तरफ, और तारीख पढ़ लें, ऐसे वाक़ियात मिलते हैं कि जिसने ज़रा तवज्जो की फौरन उधर से रहम हो गया। और आज का दिन और आज का ये माहौल और आज का जो दौर है उस चीज़ को प्रूफ कर रहा है। हर हम में से हर शख्स के हाथ में जो फ़ोन है, मुख्तलिफ जदीद किस्म के फ़ोन है, जो जहाँ पे है, कारोबार पे है, घर में है, जा रहा है गाड़ी पे है, वो ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, मैसेज आ रहा है। हम देखते हैं ना कोई चैटिंग करनी है, या हमारे कौन कौन बंदे, हमारे फ्रेंड्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम पैगाम भेजते हैं, फ़ौरन पैगाम आ जाता है। तो वो ज़ात तो हर वक्त हाजिर है, हर वक्त बस मुंतज़िर है,
हमारी तरफ से इंतजार है कि हम अपना अपने कल्प का ताल्लुक उधर जोड़े उनसे किसी तरीके से जरा बराबर जोड़े। और यही वजह है कि हमने इस महफिल में इसको गोशे दुरूद व सलाम का नाम दिया है, और स्पेशली अभी जब हमदानी साहब दुरूद पाक का विर्द करेंगे, उसके बाद जब सलाम का विर्द करेंगे, और हमने उसको एक अहतमाम के साथ किया है, और उस वक्त कोशिश ये की जाती है कि लाइटें ऑफ हो जाएं, फोन स्विच ऑफ हों, कारोबार, बच्चों की नौकरी की किसी की फिक्र ना हो, बस हम यकसू होकर अपने आका और मौला आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हों और हाजिर हों और ख़ुद को तसव्वुर करें। और सब लोग, जिस किसी को तसव्वुर गुंबद खिज़रा का अच्छा आता है वो कर लें, किसी को मौज़े शरीफ का आता है वो कर लें, किसी को काली जुल्फ़ों का आता है वो कर लें, किसी को काली कमली का आता है, बस ख़ुद को दुनिया को भूल कर आपकी बारगाह में पेश कर दें और अपने गुनाहों पर नादिम हो जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें। यही मकसद जो ये मकसूद भाई भी कह रहे थे सुफा का, कि हम दुरूद पाक और सलातो सलाम इसकी कसरत करें और इसकी आदत डालें। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की और सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए।